कृषि कानूनों के विरुद्ध किसान आंदोलन का 66वां दिन है। वहीं गत 4 दिनों में हुई हिंसाओं के बाद आंदोलन अब एक नया मोड़ लेने लगा है। सिंघू बॉर्डर के साथ ही अब गाजीपुर भी आंदोलन का बड़ा केंद्र बनता दिख रहा है। इसका प्रमुख कारण है कि उत्तर प्रदेश गाजीपुर में बैठे किसानों के अतिरिक्त हजारों और किसान आज गाजीपुर की तरफ कूच करेंगे। उल्लेखनीय है कि आंदोलन को मजबूत करने के लिए किसानों के गाजीपुर कूच करने का फैसला मुजफ्फरनगर में हुई शुक्रवार की महापंचायत में लिया गया था। वहीं किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा का प्रायश्चित करने के लिए किसान नेताओं ने एक दिन का उपवास रखकर सद्भावना दिवस मनाने का फैसला किया है। उधर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत को राजनीतिक दलों का समर्थन खुलकर मिलने लगा है। इसी के तहत हरियाणा के राजनीतिक दल इंडियन नेशनल लोकदल के महासचिव अभय चौटाला आज शनिवार को टिकैत से मिलेंगे। हालांकि इससे पहले शुक्रवार को राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी टिकैत से मिलने के लिए गाजीपुर पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी टिकैत से कहा कि उनकी पार्टी किसानों के साथ है। उधर किसान आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बने सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार को हुई हिंसा के मामले में अब तक 44 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हिंसा के बाद सिंघू बॉर्डर का माहौल बिगड़ने की आशंका को देखते हुए हरियाणा सरकार ने शुक्रवार शाम को 17 जिलों में इंटरनेट सर्विसेज पर भी रोक लगा दी, जो शनिवार शाम 5 बजे तक बंद रहेंगी। इसी बीच सूचना ये भी मिली कि आंदोलन को मजबूत करने के लिए पंजाब के किसान अब प्रदेश के हर जिले के किसानों को भी साथ लाएंगे। 41 किसान संगठनों की 72 टीमें हर घर से एक सदस्य को भेजेंगी। ये टीमें दूसरे राज्यों के किसानों को प्रदर्शन में लाएंगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.